अरे 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 तुलसी बेटा, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें काम करने से मना किया है ना? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आने वाले बच्चे पर कोई असर हो। जी माँ, मैं समझ गई। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मैं आप ही की बहू हूँ? चालाक तो तुम हो ही पहले से। जब समझ ही गई हो तो ये भी सुन लो, तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं चाहूँ। बस तुम्हें घर में सिर्फ बैठना है और वीरानी खानदान के आने वाले वारिस को जन्म देना है। तुम्हें कोई काम नहीं करना है, समझ गई? जी रघु। हाँ मालकन। तुलसी बेटी के लिए नींबू पानी ले आओ। अभी लाया मालकन। रघु, उसमें नमक थोड़ा कम डालना। हाँ ठीक है तुलसी भाई। थैंक यू माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, है ना? ये सब काम आप क्यों कर रही हैं? मधु है, रघु है और फिर तुलसी भी तो है माँ। नहीं नहीं, तुलसी को अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं, पर अगर मैं थोड़ा सा काम करूंगी तो मैं दुबली नहीं हो जाऊंगी माँ? लेकिन आपकी भी तबीयत ठीक है आजकल, और माँ वैसे भी आपको पीठ का दर्द है, आप काम करेंगी तो वो दर्द बढ़ जाएगा, आपको आराम करना चाहिए। नहीं, 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 कोई जरूरत नहीं है। तुलसी, अरे तुलसी, हाँ तुलसी, तुम्हें डॉक्टर ने कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए कहा है ना, तो किचन का काम तुम किया करो ताकि माँ को थोड़ा आराम मिले। लेकिन मीर, अगर मैं किचन में काम करूंगी तो माँ मुझे डांटेंगी। माँ तुम्हें नहीं डांटेंगी, तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा। चलो माँ रख दो। माँ तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो कमान। ऐसी कोई जरूरत नहीं है माँ। रघु, माँ के लिए जरा नींबू पानी बना लेना। अभी बनाया तुलसी भाभी। माँ आप आराम कीजिए, अभी किचन मेरा है, चिंता मत कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है ना? क्यों मिहिर? ऑफ कोर्स माँ, चलो आराम करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं हेल्प करूं? नो स्वीटहार्ट, तुम्हें आराम करना है, काम नहीं। ओके मिहिर, पापा ने कहा है कि उनको मिलकर जाना। ओके। तुलसी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो मुझे कहना। माँ आज मिल्कशेक पीने का बड़ा मन कर रहा है, बनाएंगी आप? हाँ हाँ बना देती हूँ। हाँ किचन का सारा काम निपटा लो ना, उसके बाद में बना दूंगी। हाँ चलिए, मैं भी मदद करती हूँ। तुलसी शांति से बैठो, तुम्हें आराम करना है, तुम्हें जो भी चाहिए माँ ला के देंगी। हाँ हाँ जरूर ला कर दूंगी। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके बाय। आप ध्यान रखना, तुलसी बिस्तर से उठे नहीं। आई विल सी टू इट। ओके बाय, टेक केयर। बाय। माँ मिल्क शेक में जरा आइस मत डालिएगा, मुझे जुकाम हो जाएगा। और कुछ नहीं, इतना ही। तुलसी आइए वहां बैठिए। नहीं बेटे, मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ। तो मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आजकल मैं जो कुछ भी सोचती हूँ तुम करके दिखाती हो, लेकिन मुझे तुम पर थोड़ी सी दया आती है। अब देखो ना, तुम इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकती हो, लेकिन क्या करें, आने वाले बच्चे का ख्याल भी तो रखना है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कमरे से ही नहीं इस घर से भी बाहर निकालूंगी। मेरा मतलब है तुम्हें चेंज की जरूरत है ना तुलसी, हमारा फार्म हाउस है ना, क्यों ना तुम कुछ दिन वहां चली जाओ, इट विल बी अ नाइस चेंज फॉर यू। मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं माँ। ठीक है, एक काम करती हूँ, मिहिर को भी अपने साथ ले जाती हूँ। बिजनेस छोड़कर मिहिर तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? माँ, मिहिर मेरे पति हैं, मैं जहाँ जाऊंगी सिर्फ उन्हीं के साथ जाऊंगी। देखो तुलसी, तुम्हें इस घर से जाना तो है ही, वो भी अकेले। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं मेहर को कहूंगी कि तुम्हारे जाने का इंतजाम करे। ओके, माँ आपकी ये मनोकामना तो मैं जिंदगी भर पूरी नहीं होने दूंगी। चाहती हूँ कि आप भी जान जाएं, 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का। आई थिंक वो एक दिन अब आ ही गया है। तुलसी, कल माँ से तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में? हाँ तुलसी, माँ तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। माँ चाहती थी कि ऐसे हालात में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए अच्छा खासा प्रोग्राम बनाया। कैसा प्रोग्राम? तुलसी, माँ चाहती है कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी ना हो तब तक तुम फार्म हाउस पर रहो और इतने सारे नौकर जाकर हैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह करें। कि मिहिर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, देन इफ यू लव मी, तुम मेरी बात मानोगी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मिहिर, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तुलसी, मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में इतना काम है, इतने टेंशन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ चलो? तुम कैसे बेटे हो अपनी माँ के? एक तरफ माँ अपनी बहू का इतना ख्याल रखती है और तुम हो, अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें। तुम कहने का चाहती हो? देखो मिहिर, ऐसे हालात में हर माँ अपनी बेटी के पास रहना चाहती है, और माँ ने मुझे हमेशा बेटी की तरह ट्रीट किया है ना। मुझे देखो ना, सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, घर का एक काम नहीं करती, और मेरी वजह से माँ को कितना काम करना पड़ता है घर में। अब मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। तुम मेरे साथ माँ को क्यों नहीं फार्म हाउस भेज देते? माँ को भी आराम मिल जाएगा और मुझे उनकी कंपनी। अच्छा आइडिया है ना? You are right, Tulsi. Good thinking. बेटे, मैं क्या कह रही थी? आइए माँ, हम आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा? हाँ, तुलसी के पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? वो फार्म हाउस जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके साथ जाइए। मैं? लेकिन बेटे, यहाँ घर का काम वगैरह कौन? माँ, काम तो होता रहेगा, अपनी थोड़ी चिंता तो कीजिए, काम कर करके क्या हालत बना ली अपनी। तुम कुछ कहो ना। हाँ माँ, तुलसी ठीक कह रही है, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आप फार्म हाउस जा रही हैं एंड दैट्स फाइनल। ओके, लेकिन माँ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, माँ मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हुई, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। माँ कब निकलना है? तुलसी, तुमने वीरानी खानदान की नाक कटवा दी। मैं कभी ये मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बेटे की पत्नी, मेरी बहू ऐसी हरकत कर सकती है। अरे तुम्हें अगर मुझसे कोई शिकायत होती तो मुझसे आकर कहती, बात को छिपाकर तुमने अच्छा नहीं किया। माँ, आप बात को क्यों बढ़ा रही? मैंने बात छुपाई उसके पीछे कोई वजह थी। मैं क्या करती, जाके उनको कह देती कि आपकी बेटी शादी से पहले माँ बनने वाली। अरे लेकिन अगर हम लोगों को बताया होता तो हम कोई रास्ता तो निकाल सकते थे। माँ, मैंने सोचा था कि सेजल से पूरी बात करने के बाद मैं आके आप सबको बता दूंगी। अच्छा, अब जैसा तुम सोचती हो वैसा हमें करना होगा? नहीं माँ, कभी नहीं। ये सिर्फ इतना कह रही कि हर बात बताने का एक सही वक्त होता है, और वो उसी वक्त का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज जिस तरह से जेडी भैया और गायत्री मेरे सामने देखते थे, मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैंने बात छिपाई हो। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं जेडी अंकल से बात करूंगा, वो समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे तुम्हें ये लगता है कि तुलसी ने जो कुछ भी कहा वो ठीक है तो मुझे और कुछ नहीं कहना। माँ आप समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना। माँ इस दुनिया में हर मसले का हल है सिवाय के सास बहू के झगड़े। मेरे फिलहाल तुम सेजल के मसले को सुलझाओ।
और रही बात सास बहू के मामले की, वो तो मैं संभाल लूंगी। तुलसी तुम कहीं बाहर गई थी? हाँ माँ, मुझे काम था। क्यों? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पेट में मेहर का बच्चा पल रहा है। माँ अब आपको समझाना पड़ेगा कि ये बच्चा हमारा है, सिर्फ मिहिर का नहीं। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे सब टोन समझती हूँ। हाँ, मेरी टोन का मेरी स्मार्टनेस से क्या ताल्लुक? वो सब बातें जाने दो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम्हें खुद को बाहर जाना पड़ा। मैं इस घर की होने वाली बहू से मिलने गई थी। क्या? मेरी समझ में नहीं आया। मैं पूजा से मिलने गई थी माँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम दूसरों के मामले में काफी दखल दे रही हो। नहीं माँ, ये दूसरे का मामला नहीं है। हेमंत भैया पूजा से प्यार करते हैं और वो इस घर की होने वाली बहू है। जब से गायत्री से तुम्हारी दोस्ती हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि तुम सेजल और हेमंत का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हो। अब क्या करूँ माँ, इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर वालों से ज्यादा बाहर वालों के बारे में सोचते हैं। आप ही को देखिए ना, आप पायल के बारे में कितना सोचती है, जैसे वो आप ही की बेटी हो। तुलसी तुम हद से आगे बढ़ रही हो ना, तो फिर एक काम कीजिए, अब से आप खुद पूजा के बारे में सोचिए, आखिर वो आपकी भी होने वाली बहू है ना। यही तमीज सिखाई है तुम्हें तुम्हारे बाप ने? हाँ बस माँ, इसके बाद एक शब्द और नहीं, क्योंकि अगर आपकी जुबान से मेरे बाबा के खिलाफ एक भी शब्द निकला ना, तो मेरे आने वाले बच्चे की सौगंध में ये भूल जाऊंगी कि आप मिहिर की माँ हैं। आइए माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ। थैंक यू। वैसे कैसी है तुम्हारी तबीयत? आप मेरी तबीयत की पूछ रही हैं या आने वाले बच्चे की? तुम्हें इस घर में क्या तकलीफ है? मुझे तो मेरे मिहिर के आने वाले बच्चे की चिंता है। वो ठीक है माँ। वैसे मैंने सुना है कि आपकी भी तबीयत खराब थी, अब ठीक है ना? अपनी सास की तबीयत पूछ रही हो या मिहिर के आने वाले बच्चे की दादी की? इस घर में भला मेरी सास को क्या तकलीफ हो सकती है? मैं तो सिर्फ अपने आने वाले बच्चे की दादी के बारे में थोड़ी सी चिंतित थी। भाई क्या बातें हो रही हैं? मिहिर, माँ को देख के ऐसा लगता है क्या वो दादी बनने वाली? Of course not. She's evergreen. तुलसी बेटे, तुम्हारे गोद भराई के रस्म के वक्त हम चाहते हैं कि एक छोटा सा फंक्शन रखें। क्या है, इतने सालों बाद हमारे घर में ऐसा अवसर आया है तो हमने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं। आप बड़ी हैं माँ, वही कीजिए जो आप ठीक समझे। अच्छा तुम्हारे पिताजी आएंगे? हाँ, बाबा के रस्म में ना होने से ऐसा तो नहीं है कि रस्म ही नहीं होगी, वैसे भी ये औरतों का फंक्शन है ना। वैसे किसी के होने ना होने से कोई काम रुकता तो नहीं है, लेकिन क्या है कि ये एक व्यवहार है, गोद भराई के वक्त ना माँ बाप बेटी को कुछ देते हैं। वैसे मैं जानती हूँ कि जेडी भैया और गायत्री ने तुम्हें अपनी बेटी माना है, वैसे मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ, लेकिन क्या है कि तुम्हारे पिताजी अगर नहीं आए और वो आने वालों को पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं एक काम करती हूँ, अब गायत्री चाची से कहती हूँ, उन्होंने मुझे बेटी माना है ना, वो ठीक रहेगा? हाँ, लेकिन गायत्री को ना इस वक्त तुमसे ज्यादा सेजल का ख्याल रखना चाहिए, सेजल की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। तो आप ही बताइए ना माँ, मैं क्या करूँ? तुलसी थे? मुझे तुम पर दया आती है, ऐसे अवसर पर मेरे सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है, तुम इस वक्त भी मेरे ही आसरे हो, ये मत भूलना। आप, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ और एक बहू ही दूसरी बहू का ख्याल रखेगी। अरे माँ, इतनी सुबह सुबह? हाँ। सोच ही रही थी कि आपसे आके मिलूं, लेकिन देखिए ना मेरी किस्मत, आप खुद चल कर आई। तुमसे तुम्हारे पिताजी ने हरिद्वार से तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें भेजी है, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, लेकिन उनका हरिद्वार का एड्रेस है नहीं मेरे पास। चिंता मत कीजिए माँ, आपने इतना कहा वही काफी है, मेरे लायक कोई काम हो तो कहिए। अब वैसे कहने को या करने को रह क्या गया है यहाँ? वैसे
यहाँ क्या क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो तुलसी। देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पिताजी के नाम से ये सारी चीजें जेडी भैया और गायत्री ने भेजी है। लेकिन माँ वो ऐसा क्यों करेंगे? अब वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन कौवा अगर हंस की चाल चले तो वो हंस ही बन जाता। माँ ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन जाने दीजिए, क्यों ना आज हम अच्छी अच्छी बातें करें। ओके, वैसे हमारे बीच अच्छी अच्छी बातें, हाँ याद आया, बापूजी चाहते हैं कि ये तुम्हारी रस्म के वक्त अगर तुम्हारे पिताजी हाजिर रहें तो उन्हें अच्छा लगेगा। माँ मेरे बाबा इस परिवार की किसी भी रस्म में शामिल हो मैं नहीं चाहती। एक बार दो बार कितनी बार अपमान सहेंगे वो? देखो मेरा फर्ज था, मैंने निभा लिया, अब उन्हें आना ना आना तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे मैके का कोई भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, है ना तुलसी? बाबा को रस्म में शामिल करके आखिर माँ अब क्या चाल चलना चाहती है?